हाँ मैं तो भूल गया यार, इसका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। करो दही पराठे आलू प्याज के। कौन इतना सोता है गाइस, आप खुद बताओ, बाहर आके कोई इतना सोता है? मम्मा को देखो, मम्मा उठ गई। ये देखो, इसको देखो, इस सो ही रहा है अभी तक। बाहर आके इंसान टाइम स्पेंड करता है, घूमता फिरता है। ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, उठ जा। उठ लग रही मुझे, ठंड लग रही बहुत तेजी से। इसको देखो, ये देखो गाइस, बाहर व्यू देखो आप, मौसम देखो आप, बाहर इतना प्यारा हो रहा है और ये लड़का अभी तक सो रहा है। कौन सोता है बाहर आके इतना? ही देखो, अच्छा लग रहा है। अरे ये भी सो गई, ये भी सो गई। मैं कह रहा तू भी सो यार। नहीं मैं नहीं सोती इतना। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं तो उठ चुका हूँ बड़ी मुश्किल से, जैसा आपने देखा होगा कि बहन मुझे उठा रही थी, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को अच्छा इतना लग रहा था यहाँ पे सो के, और घूमने से जाता तो मुझे सोने में मजा आ रहा था। तो अब मैं उठ चुका हूँ, बड़ी लाते लूते खा के, घूसे घूसे खा के उठना तो था ही, क्योंकि चाय मेरे सामने आ चुकी थी, चाय पीनी थी मुझे। पहले मैं आपको बाहर का वेदर दिखा देता हूँ कि बाहर का वेदर कैसा हो रहा है। आइए पहले चलिए बाहर चलते हैं और देखिए बाहर का वेदर। ये देखो उधर, देखो उधर तो धुंध हो रही है, उधर तो कुछ दिख नहीं रहा, उधर तो कुछ दिखने वाला ही नहीं है, बस ये आसपास दिख रहा है। आसपास का देखो हवा इतनी, वही जैसे हवा इतनी चल रही है कल की तरह, मजा आ गया। लेकिन यार मैं तो मम्मी बहनों से कह रहा हूँ, चीजों से कह रहा हूँ कि भैया मैं कह रहा हूँ आज का दिन और रुक जाते हैं, मेरा दिल तो जाने का है नहीं, क्योंकि इतना रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पे। खाना शुरू कर दिया, अभी रुक, देखो चाय भी पीनी शुरू कर दी उन्होंने। ओए होए 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 होए, चाय पीनी है, चाय। आए थे ना मम्मी, तुम कब उठी? अभी तुरंत तेरे साथ उठी मम्मी। चलो मैं फिर चाय पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी यार, तुझे हर वीडियो में मारूंगा मैं। जीजू की चप्पल पहनूंगा अभी मैं। चप्पल तो है ही नहीं उनकी। जीजू जीजू चप्पल साथ ले गए क्या? चप्पल साथ ले गए? ओहो अरे जीजू तो चप्पल साथ ही ले गए। चप्पल ही नहीं उनके पूरे रूम में। चप्पल चप्पल पहन के बताओ यार, चप्पल पहन के कौन नहाता है? ये भी एंटी की है यार। आ गया नहा के। हाँ जी गाइस, तो मैं नहा के आ चुका हूँ और सही लग रहा हूँ मैं, व्हाइट और व्हाइट ब्लैक में सही लग रहा है, सही लग रहा हूँ ना। अब हम गाइस बस थोड़ा सा लेंस वेंस लगा के जूते वूते पहन के अब हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? अरे पहले नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे होटल में। नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, क्या खाएंगे देखते हैं नीचे आके मेन्यू में कार्ड में क्या है। चलो फिर नीचे मिलते हैं ना। हाँ नीचे मिलते हैं। मैं आ चुका हूँ नहा के, नहा धो के आ चुका हूँ, एकदम रेडी हो गया हूँ। और बाहर जैसा एज यूजुअल मैंने आपको दिखाया था कि मौसम इतना तकड़ा हो रहा है और मेरा तो कहीं अंदर आने का भी दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा बस बाहर बैठ रहा हूँ। तो गाइज ओ गाइज हो गए रेडी तुम दोनों? क्या आज तुझे पता है रिया का बर्थडे है? रिया का बर्थडे? हाँ मैं तो भूल गया यार, इसका आज बर्थडे है। कोई बात नहीं, सेलिब्रेट करने आए हैं। ओहो मैं तो सच में भूल गया यार, करने आए हैं। अबे यार तभी तभी इसने इतनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है। ओहो बिल्कुल हीरोइन वाली ड्रेस पहनी इसने तभी, मैं तो भूल गया यार कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अच्छा अरे यार इधर आ, मैं भूल गया यार। सच में भूल गया। लंबी उम्र हो तेरी, गुरु जी ब्लेस करे तुझे। सच में मैं भूल गया। स्पेशली यही सेलिब्रेट करने आए हैं, लेकिन ये मेरा बर्थडे ही भूल गया कि मेरा बर्थडे है। मैं क्या करूं, मैं भूल गया। अपनी वीडियोस ना अपने व्लॉग में तो भूल गया। नहीं मैं ना मौसम के चक्कर में भूल गया, मौसम इतना कड़ा हो रहा है, मौसम इतना तगड़ा हो रहा है, तो इस मौसम में मैं इसे तो लेके आई थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कर पाए ना। 20 जून को आता है फुटपुट वाली बहन का बर्थडे, कचर 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 वाली का। चलो फिर रेडी हो गए ना तुम लोग, चलो फिर चलते हैं नीचे अभी फिलहाल, ठीक है चलो। हाँ पहले ना मेरे को मम्मी मेरे को चश्मा निकाल दो मेरा यार। तो नीचे आ गए तो मम्मी क्या मंगवा लिया आपने? गोभी के पराठे और आलू प्याज के पराठे।
गोभी के पराठे, आलू प्याज के पराठे, दही और चाय। अच्छा तो गाइस हमने मंगवा लिए हैं दही पराठे आलू प्याज के, दही पराठे कह रहा हूँ, आलू प्याज के पराठे मैं कह रहा हूँ, दही पराठे आलू प्याज के तो इसे हम खाएंगे फिर आम तो फिर खाते हैं। तो गाइस मेरा तो पराठा आ गया है, मेरा यानी कि फैमिली का पराठे आ गए हैं और मम्मी जो है शुरू भी कर चुकी हैं, जैसे आप देख सकते हैं मम्मी ने शुरू भी कर दिया और मैं भी जो है अपना शुरू करने वाला हूँ, मुझसे भी नहीं हो रहा। और ये मक्खन अमूल बटर, इसके बिना तो बात ही नहीं है, इसके बिना तो घर से पैर नहीं रखा जाता बाहर। सारी जिम की डाइट रह गई तेरी, सारी जिम की डाइट यही तो है हमारी, तभी तो तौंदारी है मेरी। चलो इसे खाते हैं फिर। और हाँ मेन बात है, देखो एक चीज और दिखा दो, जिसके बिना तो पराठा नीचे जाना ही नहीं है, असंभव। ये चाय असंभव, पराठा नीचे असंभव बिना चाय। तो गाइस हम निकल रहे हैं अब होटल से और नीचे उतरेंगे अब पहाड़ों के नीचे से। ठीक है भैया बाय। चलो हमने तो बाय बाय कर दी, टाटा कर दी, अब हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे। थे अच्छा यार, अच्छा होटल था यार, बहुत अच्छा होटल था अंदर से। मम्मी हो रही तो बैठ गए, हम बैठते हैं। तो ये हम उतर गए पहाड़ों से नीचे, अब पहाड़ हमसे हैं दूर, वो देखो। तो गाइस अब रुक गए अभी पानीपत में लोकल एरिया में यहाँ पे, तो अभी हम सोच रहे थे कि बाहर जाके क्या खाए पिए, तो हम गाड़ी में बैठ के कुछ खा पी रहे हैं और ऑर्डर हमारा रेडी हो गया और एक तो आ भी गई है चीज, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या मंगवाया है। तो ये अभी हमने मंगवाया है, अभी चाम पे मंगवाई है अभी हमने, और ये आया है चटनी प्याज वगैरह आई है, और अभी दूसरी चीज हमारी वहाँ रेडी हो रही है, तो हम खाएंगे इसे और देखने में देखो कितनी स्पाइसी लग रही है देखने में, तो इसे खाते हैं। मम्मी कैसा है इसका टेस्ट? बहुत टेस्टी है। देखो गाइस मेरी रीस मेरी नकल उतार रहा है कि मैं भैया को ऐसे बुला रही थी, मैंने चाप वाले भैया को कहा भैया इधर आना, तो ये मेरी नकल। अच्छा ऐसे कौन बुलाता है भैया आना, और जब देखे जा रहा है मम्मी देख रहे हो, जब देखे जा रहे हैं ऐसी बोलती हूँ, प्यार से बोलती हूँ, सबसे प्यार से रहती हूँ मैं। और क्या खा रहे हैं? हमने मंगवाया मशरूम, वो दिखाओ डंडी वाले। ये गाइस मशरूम बहुत ही टेस्टी है, टेस्टी टेस्टी। डाल दो, मैं सारा थाली कर चुका हूँ चाय पे खा कर। अब ये चाप मंगाइए गाइस, चाप बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है भाई, जबरदस्त है। इनकी शॉप है पानीपत में, यहाँ पे बहुत टेस्टी चाप बनाते हैं भैया। नहीं इतनी टेस्टी चाप थी, देखो दोबारा हमने मंगाई है, अब दोबारा से ये खा रहा है। बताओ वरुण, जो मैं टेस्ट आप लोगों को बयान नहीं कर सकता ना गाइस, ऐसा टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है, इतना तगड़ा टेस्ट है। स्पाइसी में एक होता है ना मिर्ची वाला स्पाइसी हो जाता है, एक स्पाइसी होता है कि खाते रहो खाते रहो वो स्पाइसी होता है जो चटपटा होता है, तो इतना टेस्टी है ये, इतना स्वाद आ रहा है ना ये खा के गाइस, इतना मजा आ रहा है ना इसे खा के, अब मैं क्या बोलूं। देखो हमने तो एक और प्लेट मंगवा ली है इसकी चाप की, मशरूम अभी हमने खा ली है, एक और प्लेट हमने चाप की मंगवा ली है, अगर इससे भी मेरा मन नहीं भरता, पेट तो मेरा भर चुका है, इससे भी मेरा मन नहीं भरता तो मैं एक और प्लेट मंगवाऊंगा। ठीक है तो पहले ये खत्म कर लेते हैं फिर। मम्मा कैसा रहा? अरे बहुत टेस्टी था ना। और अब ये मम्मा ने मंगाया है इसके साथ साथ बादाम शेक, बादाम शेक मंगवा ली मम्मी ने इसके साथ, और हम मैं अपने लिए अभी मैं मंगवा रहा हूँ वो रबड़ी, रबड़ी रबड़ी शेक मंगवा रहा हूँ, पहले ये खा लो लेकिन फिर बाद में वो पियेंगे फलूदा। ये देखो ये गया है, लेकिन स्वाद आ गया, काफी खाई थी मशरूम खाए, बहुत टेस्टी, ऐसा नहीं सच में ऐसा नहीं, बहुत टेस्टी था। मजा आ गया, अगली बार जब यहाँ आएंगे ना ऐसे खाने खाना मैंने जरूर। तो हमारी तो हो गई पेट पूजा, अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए, चलो। और ये वही हमारे दिल्ली के पहाड़ जो मैंने आपको जाते समय भी दिखाया था, हमारे लोकल एरिया के पहाड़, ये देखो बड़े बड़े पहाड़। तो गाइस फाइनली घर हम आ गए हैं, आने के बाद जो है बिल्कुल थक थका के एकदम घर आ गए हैं, और देखो मैं सामान दिखाता हूँ कैसे फैला हुआ है, अभी तक इन्होंने कोई सेटिंग नहीं करी, ये देखो
कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पड़े हैं। ये देखो और दिखाता हूँ, ये देखो ये नीचे गले पड़े हैं, ये देखो जूते वूते सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखो कंबल वम्बल सब ऐसे ही पड़े हैं, सब वो ऐसे ही पड़ा। ये देखो अब फिर ये सेट हो जाएगा ना, जब ये सेट हो जाएगा फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। बाकी देखो इस रूम का भी दिखाता हूँ, ये भी ऐसे ही खिल रहा हुआ है। ये देखो सब ऐसे ही घबरा, ये देखो तकिए कहाँ पड़े हैं, ये देखो कहाँ पड़े हैं, ये देखो पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी फिर जो है इनको रेस्ट करने दो, मम्मी बहन को रेस्ट करने दो, ठीक है फिर इसको सेट वगैरह करते हैं। तो गाइज हम फाइनली जो है घर आ चुके हैं घूमने के बाद, और जैसा आपने देखा होगा कि इतना मज़ा आया, इतनी अच्छी लोकेशन थी, इतना अच्छा व्यू था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी वगैरह सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। तो लेकिन जो है ना, चाहे कितना भी अच्छी जगह घूम लो लेकिन चैन जो है घर आने के बाद ही मिलता है, सुकून जो है घर आने के बाद ही मिलता है। जो बड़ा सुकून मिला मुझे, थोड़ा सा मैंने लेट के आराम वगैरह किया और आने के बाद बहन का कॉल आया कि मैं आ रही हूँ। जी हाँ, बड़ी वाली बहन का कॉल आया, हाँ जो मेरी पार्टनर है व्लॉग की, तो उसका कॉल आया कि मैं आ रही हूँ, बहन को विश करना है। मैंने कहा लेकिन बर्थडे तो निकल गया, क्या विश करना है? कह रही नहीं मेरे को नहीं पता, मैं आ रही हूँ केक वगैरह लेके, हम एक बार फिर से केक काटेंगे। तो मैंने कहा चलो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं, आ जाए फिर एक और बड़ी बर्थडे बन जाएगा, तो छोटी वाली बहन भी कुछ, बड़ी वाली बहन भी कुछ, मम्मी भी कुछ और मैं भी कुछ। तो छोटी वाली बहन ने वो छोटा वो तो केक मंगवा लिया, कोई वो ब्राउनी वाला केक मंगवा लिया क्योंकि हम सबको वही अच्छा लगता है। बाकी बड़ी वाली बहन को ब्लैक फॉरेस्ट वाला अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कहा नहीं ब्राउनी वाला लिया वो अच्छा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आप बड़ी वाली बहन को। ये री मेरी बड़ी बहन आ गई फिर से ये अपने आप ब्लॉग बनाने वाली। ब्लॉग में मैं रिया के लिए लाई हूँ सरप्राइज। सरप्राइज क्या सरप्राइज है? ये टेडा बेबी डॉल का केक ब्राउनी वाला। तो ये तू यानी कि आई गई है ना, तू कह रही थी अब मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी लेकिन तू आई गई, तू भी नहीं रह सकती हमारे बिना और ना हम रह सकते तेरे बिना। ससुराल हो तो यही फायदा होता है, दो दिन बाद आ जाओ। हाँ अच्छी बात है। हाँ अब मैं रिया के लिए केक लाई हूँ, रिया केक काटेगी, जा नहीं पाई। हाँ क्योंकि जीजू ने कहीं जाना था, मैं जा नहीं पाई, तो इसलिए अब मैं सेलिब्रेट करूंगी रिया का बर्थडे। अब मैं रहूंगी, अब तू रहेगी दो चार दिन और आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चलो फिर काटते केक, काटे फिर से। चलो उसको बुलाओ बंदरिया को, चटर चटर वाली को बुलाते हैं। तुम्हारा कैसा रहा टूर? टूर एकदम मस्त, तूने व्लॉग में देखा ही होगा हमारे। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जगह भी। कितना अच्छा था ना, मैंने जो तेरे को दिखाया था पूरा व्लॉग, कितना अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा व्यू था। हाँ तो वो नेक्स्ट टाइम मैं भी चलूंगी, फिर हम सब मिलके व्लॉग बनाएंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे ना तो तू भी चलेगी साथ में। अब की बार गोली मत देती क्योंकि तू हर बार गोली दे देती है हर बार। मैं जाती हूँ, मैं झूठ मत बोल। नहीं हर बार उस टाइम जीजू को उसी टाइम काम पड़ रहा होता है जिस टाइम हमने जाना होता है, हमारा प्लान बना था, जीजू को उसी टाइम काम पड़ रहा होता है ना। अब जाऊंगी अपनी बारी, जल्दी चल फिर ठीक है। चल बुलाओ मम्मी रिया को, हमें बुला दो उसको, फिर केक कट करते हैं और खाते हैं, और खाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साथ ये मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू रिया, थैंक यू सो मच, इतना इतना प्यारा केक बनवाया मेरे लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, दोबारा से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, दोबारा से मेरा बर्थडे मनाया आप। हाँ तो मैं ही गई, तो बहन भी आ गई मेरी, बीच में तुम लोगों ने 24 पे लाल बत्ती जल गई, जाली हो गई है, अब धोनी पड़ेगी यार। अरे यार, और हम सोच रहे हैं कि केसी 24 में ठंडा नहीं हो रहा इतना। नहीं हमारा एसी तो, हमारा एसी तो ऐसी 24 में ठंडा हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो अगर ये लाल बत्ती आए तो समझ जाना ये हो गई हमारी एसी की लाल बत्ती। इसका मतलब ये है कि जाली जो है धोने वाली है, अब हम जाली को धोते हैं। चल निकाल फिर। सबसे पहले तो अगर जाली कोई भी धोता है अपने घर में ना, सबसे पहले तो एसी बंद करना होता है, ये नहीं कि एसी चले चले मैं जाली ऑन रहने दे, क्योंकि ये सेफ नहीं है। ठीक है ये कर दिया, यार दोनों तरफ से एसी बंद कर देनी है। चेयर लानी पड़ेगी ना, हाथ भी पहुंचेगा मेरा, कहाँ पहुंचेगा? मम्मी कुर्सी ला के दो, ये तो मम्मी करती है, मम्मी कर रही है साफ। मम्मी को आता है ये खोलना, हमें आता नहीं है, वरुण को भी नहीं आता। नहीं मेरे से खुलता नहीं है ये, खुलता नहीं है। ओहो कितनी डस्ट है,
तो हवा कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? ये तो लेके आओ। अब देखो जैसे गंदा हो जाता है ना, वैसे एसी हमारा अलर्ट दे देता है कि भैया आपकी जाली जो है गंदी हो चुकी है, भर गई है, इसे धो लो, इसे धो लो। चलो मैं वॉश कर के आ रहा हूँ, ठीक है? चलो भाई वॉश हो चुका है ये तो, मैं जी धोया आया, साफ हो गई, क्लीन क्लीन। मम्मी लगाएंगे हमारी, अब आएगी कूलिंग। वाओ साफ हो चुका है अब। ये हो चुका है एसी बंद, डन। ये उतार दिया वरुण ने, ये उतार दिया मम्मी को कुर्सी पे से। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी अपना ध्यान जरूर रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।